देखें स्वराज एक्सप्रेस में हूँ आपके साथ बुशरा। सबसे पहले खबर जहाँ छत्तीसगढ़ में आज 5 बड़े नगर निगमों रायपुर, दुर्ग, धमतरी, रायगढ़ और चिरमिरी में महापौर का चुनाव हो रहा है और सभी जगह कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपना मेयर बनाने की जुगत में लगी हुई है। वहीं बीजेपी ने भी आसने ही छोड़ी है और सबसे ज्यादा गहमा गहमी में यहाँ एजाज सहबर को एक प्रत्याशी घोषित किया गया, जबकि दुर्ग में धीरज बाकलीवाल, धमतरी में विजय रजांगन, चिरमिरी में कंचन जायसवाल और रायगढ़ में जानकी काटजू को महापौर बनाए जाने के संकेत मिले हैं। क्रॉस वोटिंग की भी आशंका से डरी कांग्रेस ने पार्षदों के लिए विहिप जारी किया। उधर बीजेपी ने महापौर निर्वाचन को लेकर आपत्ति जताई, वो निर्वाचन आयोग में शिकायत करेगी। हाईकोर्ट में भी पिटीशन दायर करने की तैयारी में बीजेपी। आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया में पेन और मोबाइल का इस्तेमाल किया गया है। बीजेपी का आरोप ये भी है कि पुराने प्रक्रिया से इसी वजह से चुनाव कराया गया ताकि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के लिए बहुमत ला सके। तो तमाम तरीके के आरोप बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं, क्योंकि पलड़ा शुरू वक्त से ही कांग्रेस का भारी नजर आया। यहाँ 5 जगहों पर यानी 5 जिलों में कांग्रेस का जो महापौर है वो चुनकर आने के पूरे संकेत मिल रहे हैं और इस बीच बीजेपी ने तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं। कहा है कि प्रत्याशियों के लिए बहुमत ला सके कांग्रेस, इसलिए ये षड्यंत्र यानी बैलेट पेपर से चुनाव कराने का जो षड्यंत्र है कांग्रेस ने रचा। और ज्यादा जानकारी के साथ थोड़ा रुपेश गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए। रुपेश, पलड़ा यहाँ कांग्रेस का भारी नजर आया, इस पर बीजेपी ने तमाम सारे आरोप लगाए हैं, जो गहमा गहमी की स्थिति है वो किस हद तक पहुंच गई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अब ये एक मजबूत आधार है कि वो इस तरह के आरोप लगाए कि खड़ी खबर तो कांग्रेस कर रही है। हालांकि कांग्रेस एक तरफा जीत रही है, जहां भी परिणाम सामने आ रहे हैं, महासमुंद जिले में बात की जाए तो महासमुंद में बीजेपी का पलड़ा भारी था, लेकिन जब तक कांग्रेस के जो पार्षद है वो कांग्रेस में शामिल हो गई और इस तरीके से वहां भी कांग्रेस का परचम लहराने की पूरी संभावना है। अब सबसे ज्यादा जो चित्तौड़गढ़ है रायपुर को लेकर के है, क्योंकि 34 से पूर्ण बहुमत नहीं है। कांग्रेस यहाँ पे अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ क्रॉस वोटिंग करा लेती है तो भाजपा को उम्मीद है कि कुछ हो सकता है, इसीलिए वो चौतरफा दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। जो विधि प्रकोष्ठ के उनके चेहरे हैं नरेश चंद्र गुप्ता, उनको हाईकोर्ट में पिटिशन लगाने के लिए लगा दिया है, जबकि बृजमोहन अग्रवाल और राजेश मूरत जो 15 साल तक मंत्री रहे वो खुद सड़कों पर उतर आए हैं। और तीसरा जो फ्रंट है वो ये है कि रणनीति ऐसे अख्तियार की जाए कि आखिरी समय तक पत्ते न खोले जाए, चार चार लोगों से नॉमिनेशन फाइल करवा दिया है। तो इस तरीके से बीजेपी चौथरफा खेलने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस भी बहुत ऐसी। अच्छा रुपेश, इस बीच बीजेपी कोर्ट तक जाने की बात भी कह रही है, तो इसको लेकर बीजेपी ने क्या मीडिया के सामने भी आके कुछ कहने की कोशिश की है? संकेत कहाँ देती नजर आ रही है बीजेपी? देखिए, प्रक्रिया को लेकर के बीजेपी ने सवाल उठाए हैं और उसमें हाईकोर्ट जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल है कि अब से थोड़ी देर के बाद चुनाव जब हो जाएंगे तो क्या उस वक्त तक ये हाईकोर्ट का फैसला आएगा या हाईकोर्ट से स्टे ले पाएगी बीजेपी, ये बहुत बड़ा सवाल है जिसकी संभावना कम नजर आती है। लेकिन दूसरी तरफ बात करें तो कांग्रेस की तैयारी पूरी है। इस वक्त एजाज ढेबर नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। जो अन्य दो प्रमुख दावेदार थे महापौर पद के, श्री कुमार मेनन और ज्ञानेश शर्मा, वो उनके प्रस्ताव बने हुए हैं और मोहन मरकाम के साथ तो वो दुबे अंदर बैठे हुए हैं, पीछे जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में, वहां पर उनसे चर्चा की जा रही है। बताया किया जा रहा है कि प्रमोद दुबे नाराज है और वो अपनी ओर से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नॉमिनेशन फाइल कर दिया गया है एजाज ढेबर की तरफ से और जो प्रस्ताव। चलिए रुपेश, आप नजर जरूर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रुपेश। और अगली खबर जो है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय